उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। यहां खनन से लदे डंपर ने यात्रियों से भरी वैन को कुचल दिया। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर कस्बे के एक ही परिवार के 7 लोग सहारनपुर से वापस आ रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग सहारनपुर के एक अस्पताल में किसी से मिलकर लौट रहे थे, तभी बेहट थाना इलाके के गांव गंदेवड़ के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भयंकर एक्सीडेंट हो गया। घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की संख्या बढ़कर 6 बताई जा रही है। थाना बेहट में एक मारुति वैन और एक ट्रक में टक्कर हुई, जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर जो घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 3 लोगों को मृत घोषित किया गया और 3 अन्य की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इनकी शिनाख्त मशकूर व अन्य के रूप में हुई है, जो कि थाना मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और ये सहारनपुर से मिर्ज़ापुर लौट रहे थे रात्रि में, जहाँ पर कि मारुति वैन रॉन्ग साइड जाकर ट्रक के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुई।